हाई एवरी वन वेलकम टू अभिमन्यू आई एस माई नेम इज़ रोहित गर्चा अभिमन्यू आई एस इज़ अ प्लेटफॉर्म विच प्रिपेयर्स यू फॉर यू पी एस सी एंड वेरियस पी सी एस एग्जामिशंस एंड हैज मोर देन ट्वेंटी थ्री ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हैज़ गिवन मोर देन ट्वेंटी टू हंड्रेड रिजल्ट सिंस नाइनटीन नाइनटी नाइन दिस इज टू द पॉइंट एक ऐसी सीरीज जहाँ पे हम करंट अफेयर्स को प्रलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं टू द पॉइंट तरीके से एंड वंस द टॉपिक इज डन इन दिस सीरीज़ यू विल बी एबल टू अटैम्प्ट एनी क्वेश्चन That comes on that topic. And if you want to cover current affairs holistically for pre as well as mains, we have a course running which is in both online and offline format, and link is in the description. You can also avail a seven-day free trial of this course. Ekbari Dekho Agar quality HC Lage. So do join. Link is in the description. Moving on to today's topic that is Foodborne Pathogen Survey Network. फूड नेट के नाम से है ये आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही बारिश का मौसम आता है तो कुछ इलाकों में आपके शहर में वो जो डेंगू की जो वो मशीन होती है जिसके अंदर वो धुआं निकल रहा होता है ना मॉस्किटो किल करने के लिए मॉस्किटो रिपेल करने के लिए सो दैट इज़ बिकॉज हमारे पास एक डेटा है कि इस सीज़न के दौरान इस पर्टिकुलर इलाके में डेंगू के केसेस बढ़ जाते हैं सो एज़ मिटिगेशन हम वो जो आ, मशीन है हम उसको वहाँ पे भेज देते हैं तो सी यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि हमें पता होना चाहिए कि किस टाइम पे किस जोग्राफिकल एरिया के अंदर पर्टिकुलर जो एक आपका डिजीज है वो बढ़ने वाला है तो ये डेटा के दम पे पॉसिबल होता है सो so यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा जो भी मैंने बात कही है कि इट इज़ फूड बॉर्न पैथोजन फूड बॉर्न पैथोजन का मतलब है कि फूड के अंदर जो आपके माइक्रोब्स होते हैं जब आप खाना वगैरह खाते हैं जिससे बीमारी हो सकती है तो फूड बॉन पैथोजन का एक सर्वे नेटवर्क एक नेटवर्क बनेगा एक डेटा रिपोर्ज एक डेटा रिपोर्जिटरी जो है वो बनेगी और उसको कौन कर रहा है उसको कर रहा है आईसीएमआर थोड़ा सा इसके ऊपर और देखते हैं एंड लास्ट में हम जाके इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं एक दो क्वेश्चंस हैं वो भी देखेंगे कि इसके साथ लगते हुए क्वेश्चंस किस टाइप से आ सकते हैं मूविंग ऑन थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं हम कि व्हाट इज आईसीएमआर का जो है ये इट इज अ टास्क फोर्स है ना ये देखिए पूरी स्टेटमेंट जो है आपको बहुत सारा डेटा देकर जाएगी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देकर जाएगी इस एक स्टेटमेंट के साथ में हम कई क्वेश्चंस कर सकते हैं सो so, इस स्टेटमेंट को हम बहुत ध्यान से वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम अंडरलाइन या एनसर्कल कर लेंगे यहां पर और आपने माइंड में अंडरलाइन या एनसर्कल करके उसे रखना है अ टास्क फोर्स इनिशिएटेड बाई आई इन टू ज एन इंटीग्रेटेड टास्क फोर्स दैट कॉर्डिनेट्स क्या कोऑर्डिनेट करती है वो प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटी कैंपेन्स मॉनिटर्स फूड एंटेरिक डिजीज आउटब्रेक्स एंड कंडक्ट्स इंटेंसिफाइड सिस्टमैटिक लैब बेस्ड सर्वेलेंस इन नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स एक दो टर्म्स हैं यहाँ पे जो हमने समझनी है पहले की एंटेरिक एंटेरिक डिजीज का मतलब होता है जो आपके इंटेस्टाइनल गैस्ट्रो जो आपका सिस्टम है उसको हिलाने की काबिलियत रखती है तो एंटेरिक डिजीज का मतलब वो है एनी थिंग दैट यू इन्जेस्ट जिसको आप बॉडी में एंटर करने देते हो वाया माउथ उसके बाद में वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर बिगाड़ रही है उन डिजीजेस को हम एंटेरिक डिजीज कहते हैं अगेन अ फैंसी वे ऑफ सेइंग फूड बॉन पैथोजें नथिंग नथिंग मच तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना इनकेस अगर कोई क्वेश्चन आता भी है इस पर तो एंटेरिक वहां पे लिखा होगा तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट एंटेरिक का मतलब ये कि वन विच एंटर्स योर बॉडी और एक जो यहां पे हमने और चीज ध्यान में रखनी है कि हम आईसीएमआर फूड नेट की बात कर रहे हैं और यहां पे नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स की बात हो रही है दैट मींस कि ये एक स्पेसिफिक रीजन में किया है हालांकि इट इज आईसीएमआर आई मतलब इंडिया पैन इंडिया की बात होती है आई में लेकिन ये वाला जो पर्टिकुलर एक चीज है दैट इज रीजन स्पेसिफिक दैट इज नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट प्रोजेक्ट ऑल्सो इंक्लूड्स एस्टिमेशन ऑफ देखना इनलेस इनलेस बर्डन डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर आउटब्रेक्स डिटेक्शन की बात हो रही है कि कौन से एक पर्टिकुलर डिजीज अगर आ रही है तो उसको डिजीज को भी हमने लिखा है अपने डेटा में साथ में कौन से पैथोजेंस उसको जो है कॉज uh, कर रहे हैं उसको भी हम इस रेपोजिट्री के अंदर इस डेटा के अंदर अपने पास रखेंगे ताकि मिटिगेशन में मेडिसिन में इसकी हेल्प मिल सके अगेन इलनेस बर्डन को भी हम इसी इसी स्लाइड के अंदर बाद में डिस्कस करते हैं पहले पूरी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एस्टिमेशन ऑफ इलनेस बर्डन डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक पैथोजेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर आउटब्रेक्स डॉक्यूमेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैटर्न अमंग ऑफ एंटेरिक बैक्टीरिया एंटेरिक बैक्टीरिया जो आप इंजेस्ट करते हो फूड फूड के थ्रू है ना उसके अंदर जब आपकी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होती है इसके बारे में आपने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा तो हम कोशिश करेंगे कभी फ्यूचर में कोई वीडियो होगी इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे वाइल एडिशनली एक्टिंग एज एन एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम मेंटेनिंग अ अंट्रलाइज मेन तो ये है देखो मेंटेनिंग अ सेंट्रलाइज्ड डेटा बैंक एंड प्रोवाइड्स रेफरेंस सर्विसेज डेटा मैंने आपको बताया जैसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था डेटा हमें क्यों चाहिए होता है बिकॉज हमें टाइम स्टैम्प मिल जाती है किस टाइम में किस जगह पे एक पर्टिकुलर डिजीज जो है वो आपके ऊपर हावी हो सकती है तो अगर आपको ये पता है कि यार ये होने वाला है ये डिजीज पर्टिकुलर आने वाली है तो आपकी जो मिटिगेशन है वो थोड़ी बेटर हो जाती है यू आर प्रिपेयर्ड इलनेस बर्डन है ना तो डिजीज बर्डन इज द इम्पैक्ट ऑफ अ हेल्थ प्रॉब्लम एज मेजर्ड बाय फाइनेंशियल कॉस्ट मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी एंड अदर इंडिकेटर्स मेजर मेजर्ड क्या लिखा है फाइनेंशियल कॉस्ट मॉर्टेलिटी मॉरबिडिटी मतलब कि डिजीज का आपके ऊपर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर क्या बर्डन होगा ये बेसिकली उस तरफ को जाता है कि अब बाकी सारे इंडिकेटर्स को भी आपको कंट्रोल में रखना होता है एंड ये सारे अगर आप देखें तो ये डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स होते हैं फाइनेंशियल कॉस्ट कि यार अगर कोई डिजीज आई है तो उसके बाद में आपको हॉस्पिटल्स जो हैं वो सेटअप करने पड़ेंगे आपको बेड्स आपको मेडिसन्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी आपको अवेयरनेस कैम्पेन्स चलाने पड़ेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो डेंगू वाले केस में तो वो वो मशीन फ्री में तो नहीं चलती है उसका तो कोई भी डिजीज कोरोना का एग्जाम्पल अगर हम लिए यहाँ पर तो उसमें जो हमारा डिजीज़ बर्डन था उसमें हमारे लॉकडाउन और सब कुछ वो सब कुछ इंक्लूड हुआ है तो डिजीज़ का बर्डन कोरोना का इनफैक्ट नॉट पैन इंडिया वर्ल्ड वाइड उसका जो डिजीज़ बर्डन है वो बहुत हाई रहा था तो ये जो प्रोजेक्ट है जो कि आई सी का फूड नेट की यहाँ पे बात चल रही है यहाँ पे इलनेस बर्डन को भी हम कैलकुलेट करेंगे मतलब टेक्निकली ये एक सब्जेक्टिव एरेना को भी टच करेगा और उसको क्वान्टिफाई करेगा डिजीज बर्डन एक बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है बट वेन वी पुट इट इंटू सच क्राइटीरियाज हम उसको क्वान्टिफाई करने के ट्राई करते हैं ताकि आप उसे कंपेयर कर सको बाद में दैट इज़ वाई सच काइंड ऑफ डाटा इज important कि आज हमारी एक पर्टिकुलर डिजीज की uh, मान लो इस जुलाई uh, 2022 ट्वेंटी में ये उसकी मॉर्बिडिटी रही है ना ये उसकी फिटेलिटी रेट रहा इतना उसका खर्चा हुआ अगले साल जब हम कंपेयर करेंगे इन्फ्लेशन इंडेक्स के साथ मैच करने के बाद या नहीं जैसे भी तो हमें पता होगा कि यार लास्ट ईयर इतना हुआ था इस साल इतना हुआ है सो देट इज़ वाई वी वी नीड सच काइंड ऑफ क्योंकि सब्जेक्टिव चीज़ को कंपेयर करने के लिए वी नीड क्वान्टिटेटिव डेटा अब इसके कुछ मिशन ऑब्जेक्टिव इनकी आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे जो इंपॉर्टेंट वाले है, जिस से जिस से हैं, जिससे जिससे थोड़े क्वेश्चंस स्टेटमेंट्स को हम देखेंगे साथ -साथ यहीं यहीं दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए इसके ऑब्जेक्टिव नंबर वन टू आइडेंटिफाई दैथोजेंस कॉजिंग फूड बॉन्ड डिजीजे एंड आउटब्रेक्स डॉक्यूमेंटिंग अब देखो यहां इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंटिंग वॉट रीजनल एंड सीजनल जो मैं बोल रहा था आपको डिजीज है। तो हो गया सीजनल, और किस एरिया में वो हो गया रीजनल रीजनल एंड सीजनल द इंसिडेंसेस ऑफ सर्टेन बैक्टीरियल वायरल एंड पैरासिटिक फूड बॉन्ड डिजीजेस तो मतलब जैसे पिछली स्लाइड में बैक्टीरियल को स्पेसिफिकली था यहां पे बैक्टीरियल तो है ही साथ में वायरल पैरासिटिक फूड बॉन्ड डिजीजेज इसमें सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूडेड रहेंगी हमने जब आइडेंटिफाई करना है इवेल्युएशन ऑफ बर्डन ऑफ द फूड बॉन्ड डिजीजेज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमारे लिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे क्योंकि इसको स्पेसिफिकली मैंशन किया हुआ ये वहीं का जो है फिनमिना है जीनो टाइपिंग एंड असेसिंग एंटी एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी पैटर्न ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस वेन एवर वी से एंटीबायोटिक इट इज़ बेस्ड ये जो इंडिकेट करता है वो बैक्टीरिया को ही इंडिकेट करता है तो ये एक एडिशनल पॉइंट है ये भी आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं एंटी वायरल इज वायरल के वायरस के एंटी एंटीबायोटिक इज बैक्टीरिया के एंटी तो हमने बैक्टीरियल डिजीजेस की जीनो टाइपिंग एंड असेसिंग करनी है इस प्रोजेक्ट के थ्रू फूड नेट की बात चल रही है आईसीएमआर का जो है डिस्क्राइबिंग द ट्रांसमिशन पाथवे ऑफ डिफरेंट फूड बॉन्ड डिजीजेज अगर आपने किसी डिजीज का पाथवे आइडेंटिफाई कर लिया है तो आप उसके अंदर ब्रेक लगा सकते हो एंड जनरली जो ब्रेक लगाई जाती है वो टॉप पे लगाई जाती है कि अगर हम वहाँ से प्रॉब्लम को हटा देंगे ऊपर से क्योंकि सारा वहीं से आ रहा है तो ये सारी चीज़ जो है वो अपने आप सॉर्ट हो जाएगी तो हमने ट्रांसमिशन पाथवे जैसे हम कोरोना में करते हैं कि हमें पता है कि वन ऑन वन ट्रांसमिशन इसमें है सबसे पहले हमने क्या किया था हमने अभी इंडिया में डिजीज़ नहीं थी तो बाहर से जब लोग आ रहे थे तो हमने सबसे पहले एयरपोर्ट्स बंद किए थे हमने पोर्ट्स बंद किए थे कि बाहर से कोई भी इंडिया में ये डिजीज़ को ना लेकर आए और अगर जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनकी टेस्टिंग मास्क वगैरह पर जब वो अंदर आ गया तो फिर हम थोड़ा सा और उसमें गए कि सारे मास्क पहनेंगे और नाइट कर्फ्यूज़ वगैरह लगे थे इन मेनी स्टेट्स आई थिंक इन ऑल ऑफ़ द स्टेट्स नाइट कर्फ्यू इनिशियली सबसे पहले यही हुआ था तब भी बात नहीं बनी तो हमने पूरा लॉकडाउन किया था तो इस तरीके से इसकी स्टेजेस चलती हैं तो हम अगर ट्रांसमिशन पाथवे को डिस्क्राइब कर पाते हैं तो हम उसको बेटर तरीके से एंड या मिटिगेट कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर माइक्रोबियल कल्चर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग एंड मॉलिकुलर एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया डेवलपमेंट ऑफ फूड बॉन पैथोजन स्ट्रेन रिपोजिट्री पैथोजन स्ट्रेन रिपोजिट्री मतलब कि जिस पैथोजन के जो स्ट्रेन हैं जो उसके जीनो टाइपिंग हम निकालने वाले हैं उसका एक पूरा डेटा बेस कि ये कैसे कैसे मॉडिफाई हो रहा है कैसे कैसे फॉर्म हो रहा है सार्स uh, कोव जो हमारा कोरोना वायरस है जिसकी वजह से ये कोविड पेंडेमिक अभी तक चल रहा है तो उसके अंदर भी हम इसका बहुत खास ध्यान रखते हैं कि हम इसकी जो रिपोजिट्री है जो इसके स्ट्रेन हैं उसको हम बराबर रिकॉर्ड करते रहें तो यहाँ पे भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर फूड बॉन्ड डिजीज के केस में इस प्रोजेक्ट के थ्रू ये होने वाला है एक्टिव फूड बॉन्ड डिजीज आउटब्रेक सर्वेलेंस है ना कि uh, कहाँ पे एक्टिव फूड अभी क्या चल रहा है वहाँ पे जैसे कई जगह पर टाइफॉइड चल रहा है कॉलरा चल रहा है तो उसको हम एक्टिव सर्वेलेंस के थ्रू कैच करते रहेंगे कि उस जगह पे दस केस आ गए है ना दस के पंद्रह हो गए पंद्रह के बीस हो गए मतलब वहाँ पे एक स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है जियो मैपिंग ऑफ इंसिडेंस ऑफ फूड बॉन्ड ये तो अगेन सिंपल uh, बात है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है हम मैप कर लेते हैं कि हॉटस्पॉट कौन से हैं जैसे अगर आप लोग uh, वो वो कौन सी ऐप है यार स्नैपचैट है ना स्नैपचैट के ऊपर वो मैप में जाते हैं तो वैसे वो लाल लाल बना होता है कि यार इस जगह पे ज्यादा स्नैप्स डल रही हैं तो ये कुछ उसको उस तरीके से ही समझे कि एक हॉटस्पॉट जो है वो आइडेंटिफाई हो जाता है पब्लिक पब्लिक हेल्थ मेजर्स अवेयरनेस ऑफ वाटर एंड फूड हाइजीन अमंग हेल्थ वर्कर्स फूड हैंडलर्स देखिए मेन मेरे हिसाब से मेन तो यही होता है कि अगर अवेयरनेस है द मोमेंट कोरोना के टाइम में भी अवेयरनेस आई थी उसको बहुत अच्छे तरीके से मिटिगेट किया था इवन जब वैक्सीन्स की बारी आई थी वैक्सीन्स के टाइम पे भी हमने जो अवेयरनेस कैंपेन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया था तो अगेन इस प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ जीनोम सिक्वेंसिंग और ये सब नहीं है और ये इट इज नॉट प्योरली टेक्निकल यहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन्स भी इसके थ्रू चलेंगे देखिए होलिस्टिकल अप्रोच है सो दिस वाज ऑल अबाउट हमारा जो फूड नेट है हमने जो चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात है अगेन ये जो पहले वाली जो हमारी स्लाइड है इसके अंदर आपको मैक्सिमम डेटा मिलेगा कि यहाँ पे ये मॉनिटर्स क्या करते हैं फूड फूड बॉर्न एंटेिक डिजीजेस सर्वेलेंस है यहां पे और कहा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बस आपको मेनली ये याद रखना है आई सी एम आर आई थिंक आपको अब आप, आप याद हो ही गया होगा कि आईसीएमआर के थ्रू हो रहा है जस्ट टू गिव इट अ होलिस्टिकल टच थोड़ा सा देख लेते हैं कि आईसीएमआर क्या चीज है एक एक बहुत शॉर्ट में 1911 में ये शुरू हुआ था एज आई आर एफ ए इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के नाम से और इसका बहुत स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था कि इसने स्पॉन्सर करना था किसको रिसर्च इन कंट्री अभी भी आईसीएमआर जो है वो रिसर्च और इस टाइप की चीजें करता है बट नॉट डायरेक्टली इसके अंदर बहुत सारी बॉडीज हैं जो उनको असिस्ट करती है आईसीएमआर इज़ दी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जिसके थ्रू इस टाइप की रिसर्च जो है चलती है नाइनटीन का ये फंडा है

वो किसके वो कोई सेक्रेटरी नहीं है हेल्थ सेक्रेटरी नहीं है इसका कोई अपना गवर्नर नहीं उसको प्रिजाइड करता है बट इट इज प्रिजाइड ओवर बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ये एक मेरे को पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा था इसको आप जरूर याद रखना कि आई की जो गवर्निंग बॉडी है उसको जो प्रिजाइड है दैट इज हेल्थ मिनिस्टर इसके अलावा और कोई नहीं है लेट्स सी इसके जो क्वेश्चन क्वेश्चन हैं वो कैसे बनेंगे अगेन यू यू वांट वांट इफ टू अटेम्प्ट इट ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है इट 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 इज 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 आई वुड से टू इजी फॉर यू एज ऑफ नाउ बट अगर यही क्वेश्चन आपको कहीं यू नो आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो वहाँ दिखेगा तो इन केस अगर आपने इसके फूड नेट के बारे में नहीं पढ़ा तो अगेन इट्स इट्स अ टफ क्वेश्चन बट राइट नाउ फॉर यू इट इट शुड बी वेरी ईजी इज अ प्रोग्राम ऑफ विच एजेंसी एफ सी अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस घुमाने के लिए कैसे दिए आपको फूड नेट समझ में आ गया समथिंग रिलेटेड टू फूड है ना डिजीज का इसमें कहीं मैंशन नहीं है दूर दूर तक दिमाग में नहीं आएगा एफ सी आई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ना मे बी एन आंसर एफ एस ये फूड

हमने इस टाइप के वर्ड्स को बहुत ध्यान से देखना होता है कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है समटाइम्स वी हैव सीन दैट यूपीएससी इन वर्ड्स को हाईलाइट कर देती है बट मोस्ट ऑफ द टाइम इन वर्ड्स को हाईलाइट नहीं किया जाता है मतलब ये बोल्ड में नहीं होते हैं तो यू हैव टू रीड इट वेरी करेक्टली अदरवाइज वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं एंड काफ़ी सारों में ऐसा होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट सडनली एक इनकरेक्ट आएगा तो आपका ब्रेन ऐसे वायर्ड होता है कि वो पैटर्न पहचान लेते हैं करेक्ट 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 तो इनकरेक्ट पढ़ा नहीं जाता है तो ये आपने ध्यान में रखना है जस्ट अनदर टिप इन टू द पॉइंट नंबर वन इनकरेक्ट पूछा है जियो मैपिंग ऑफ इंसिडेंट ऑफ फूड बॉर्न डन हमने देखा है जियो मैपिंग अल्टीमेटली वो जो स्नैपचैट जो वाला जो था वो लाल लाल हो जाता है तो जियो मैपिंग तो होती है इसमें दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट अगेन इफ यू वॉन्ट टू अटेम्प्ट इट आप पॉज कर सकते हो वीडियो को एंड आई एम मूविंग ऑन विद दिस इट इज अ पैन इंडिया प्रोग्राम एक्सेप्ट आइलैंड आईलैंड देखो कितना घुमाने वाली स्टेटमेंट है ये एक्सेप्ट भी दे दिया आपको लगेगा कि हाँ यार बात तो सही है आपका दिमाग घूमेगा कि यार एक्सेप्ट लक्ष्मदीप है या लद्दाख है यार या फिर एक्सेप्ट ये क्या हो सकता है कौन सी स्टेट हो सकती है ना बट यहां पे ही गलत हो गया ये इट इज नॉट अ पैन इंडिया प्रोजेक्ट ये कहां हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो दिस स्टेटमेंट बिकम्स इनकरेक्ट इट इज अ टास्क फोर्स अंडर आईसीएमआर पहली स्टेटमेंट थी जो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट जैसे बताया था क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्या पूछा है? तो क्या हो गया इसका इट इज सेकेंड वन इज इनकरेक्ट बाकी दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही है यू कैन अवेल अ फ्री ट्रायल ऑफ द कोर्स जो कि कंप्लीट कोर्स है जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में चलते हैं एंड उसमें हम जो टॉपिक्स हैं वो बहुत लेंथ में कवर करते हैं और बहुत मात्रा में कवर करते हैं एंड वंस यू हैव दैट कोर्स तो उसके बाद में आपका जो करंट अफेयर वाला जो मामला है उसको आप डन समझ सकते हैं थैंक यू सो मच लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन थैंक्स फॉर वॉचिंग